ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदीन तारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे। चैतन्य चरितामृत के फर्स्ट बुक, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आदि लीला क्या होती है। आदि लीला चैतन्य चरितामृत की पहली किताब है और उसका पहला अध्याय और चैप्टर भी पहला ही चल रहा है अभी तक। तो हमने 68 नंबर श्लोक तक कर लिया था, जिसमें कि हमने देखा कि भगवान दो प्रकार से अपना एक्सपेंशन करते हैं, प्रकाश और विलास। प्रकाश भगवान का वो रूप है जिसमें भगवान सेम दिखते हैं, जैसे कृष्ण होते हैं वैसे ही बहुत सारे कृष्ण बन जाते हैं। और विलास वो रूप है जिसमें भगवान के रंग रूप में बाहरी जो आकार है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जैसे बलराम जी हैं और भगवान के जो चतुर्व्यूह होते हैं संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव, ये तो ये भगवान के विलास रूप हो गए। ठीक है, अगला श्लोक है कि जब भगवान अनेक रूपों में विस्तार करते हैं जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसे कि कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तो भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश कहलाते हैं, जिसका वर्णन प्रभुपाद ने ऑलरेडी कर दिया है। एके ही विग्रह जदि होय बहुरूप आकारे त भेद नाहीं एक ही स्वरूप। महिषी विवाहे जैसे जैसे कैलो रास इहा के कहिए कृष्ण मुख्य प्रकाश। ये भगवान का प्रकाश रूप हो गया। चित्रम बताई त देखे न वपुषा युगवत पृथक गृहेशु द्वयस्त्रसाहस्रम स्त्रिय एव उदावहत। यह विचित्र लगता है कि अद्वैय कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ उनके उनके घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 समान रूपों में विस्तारित कर लिया। आश्चर्य लगता है पर भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये श्लोक अभी जो श्लोक है ये बताया मैंने, ये श्रीमद्भागवतम का है। अब है रास रास उत्सव संप्रवृत्तो गोपीमंडलमंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्दयो। जब गोपालाओं के समूह से घिरकर भगवान रास नृत्य कर रहे थे तो उस समय योग शक्तियों के द्वारा भगवान ने दो दो गोपियों के साथ अपने आप को रखा था बीच में।
ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यम मन्येरन्न भस्ताद्वत् विमानशत संकुलं दिवोकसाम सदारणाम सुख्यभृतात्मनाम ततो दुंदुभयो ने दुर्निपेतु पुष्पविष्टय। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण आपस में मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा रास नृत्य देखने के लिए इन उनकी पत्नियां परम इच्छुक होकर अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और मधुर मधुर दमामे बजने लगे। ये भी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो देखिए भगवान कृष्ण जब रास नृत्य कर रहे थे तो ये साधारण बात नहीं थी। वैसे राधा और कृष्ण के गोपियों के लीलाओं को लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण ये है कि इस दुनिया में असली और सच्चा प्रेम नहीं है। असली प्रेम किसको कहते हैं लोगों को पता नहीं है। उनको एक ही चीज समझ में आती है, वो है काम वासना। भगवान जो प्रेम करते हैं हमारे साथ, यानी कि किसी भी जीवात्मा के साथ, वो दिव्य होता है। और जो जीवात्मा मुक्त हो चुका है, जो आध्यात्मिक स्तर पर है, वो भी दिव्य प्रेम ही करता है। जब तक हम भौतिक स्तर पर रहते हैं तब तक हम काम वासना से प्रेरित रहते हैं। और इस दुनिया में सारे जितने भी जीवात्मा है वो भगवान की तीन गुणों वाली जो शक्ति है, माया शक्ति त्रिगुणमयी, उसके अंदर है। सारे जीवात्मा उसके अंदर प्रभावित हैं, उससे बद्ध हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये तीन गुणों के अंदर रहकर सारे जीव अपने कार्य करते हैं। तो उन्हें दिव्य चीज क्या होता है इसका अनुभव नहीं है, प्रेम क्या होता है इसका अनुभव नहीं है। अपने इंद्रियों की तृप्ति करते रहते हैं हमेशा, इसीलिए उनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ कैसे कर सकता है। जब तक उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है वो कुछ कैसे कर सकता है, ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के भी कुछ कर सकता है। प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक जगह प्रेम है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं पर फिर भी है, बहुत हद तक वो सच्चा प्रेम है। वो कौन सा जगह? वो जगह है माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। माता जब अपने बच्चे को जन्म देती है, एक इवन जानवर, जानवर के भी हृदय में थोड़ा प्रेम होता है। और जो जानवरों में भी तीनों प्रकार के गुणों में होते हैं, कुछ जानवर तमोगुण में, कुछ रजोगुण में, कुछ सतोगुण में, जैसे गाय सतोगुणी प्राणी है। सारे जानवर एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे सांप है, सांप तो अपने ही बच्चे को खा जाता है, उसको हम कैसे सोच सकते हैं कि वो सतोगुण में। लेकिन जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में जो माताएं होती हैं, वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, बहुत हद तक प्रेम करती है। कभी कभी उसमें भी कुछ स्वार्थ आ जाता है लेकिन ज्यादातर स्वार्थ नहीं रहता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो एक स्थान है जहां पर थोड़ा प्रेम दिखाई देता है इस दुनिया में, नहीं तो सब जगह क्या है? स्वार्थ है। तो जब हम कृष्ण के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। हम अपने लिए जब कार्य करते हैं उसको कहते हैं काम, और भगवान के खुशी के लिए जब कार्य करते हैं उसको कहते हैं प्रेम। तो
भगवान भी सबसे प्रेम ही करते हैं और जो मुक्त जीव हैं वो भी भगवान से प्रेम ही करते हैं। जो गोपियां थीं गोलोक धाम से आई हुई थीं या कहीं और से भी आई हुई थीं मान लीजिए, तो वो सारी की सारी गोपियां दिव्य स्तर पर थीं। गोपियों के बीच में और भगवान के बीच में कभी काम वासना आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान सारे गुणों से परे हैं, पर हमारी दृष्टि में दोष है। जैसे अगर हमने काला चश्मा पहन लिया तो हमें सारी चीजें कैसी दिखाई देंगी? काली। लाल चश्मा पहन लिया तो लाल। तो इसी प्रकार हम तीन गुणों वाली जो माया शक्ति है उसका चश्मा पहने हुए हैं तो सब जगह गंदगी नजर आती है। तो भगवान के बारे में भी उल जलूल बातें करते हैं लोग, राधा और कृष्ण के फोटो को बना देते हैं जैसे कोई प्रेमी और प्रेमिका हो। तो ये लोगों की मानसिक बीमारी है और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब गोपियां नृत्य कर रही थी और भगवान नृत्य कर रहे थे, बहुत लंबी रात थी, वो भगवान ने उस रात को बहुत लंबी बना दिया था, तो सब जगह पता चल गया कि भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और कृष्ण तो दुनिया के सबसे बड़े नर्तक हैं, उनका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो सारे स्वर्ग से भी देवतागण, देवियां और कृष्ण की जो 16,000 पत्नियां थीं, 16,108, वो सब भी विमान पे चढ़ चढ़ के ऊपर से भगवान का नृत्य देख रही थी। ये श्लोक बता रहा है, श्रीमद् भागवतम का श्लोक बता रहा है। रास नृत्य देखने के लिए सब उड़ रहे थे, विमान उड़ रहे थे और ऊपर से सब वो दृश्य देख रही थी। अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य यैकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतीर्यते। तो यदि समान स्वरूप वाले अनेक रूप एक साथ प्रदर्शित हों तो ऐसे रूप भगवान के प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश विग्रह का मतलब है एकदम एक जैसे बहुत सारे रूप, भगवान के एक जैसे बहुत सारे रूप। बस सिंपल। अभी ये जो श्लोक है जो अभी हमने पढ़ा, ये है लघु भागवतामृत का, जो रूप गोस्वामी ने लिखा है। रूप गोस्वामी ने लिखा है और कृष्णदास कविराज ने उसको यहाँ कोट किया। एके ही विग्रह किंतु आकारे होय आन, अनेक प्रकाश होय विलास तारना। हाँ, तो जब एक ही रूप है, एक ही भगवान के रूप है, पर उसका थोड़ा सा फर्क हो जाता है, कुछ कुछ फर्क हो जाता है, तो उसे विलास विग्रह कहते हैं। तो प्रभुपाद ने हमें परपोट में पहले ही बता दिया, कृष्णदास कविराज धीरे धीरे बता रहे हैं। अब आगे क्या है? स्वरूपम अन्याकारम यत तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समम शक्त्या सविलासो नगद्यते। जब भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से विभिन्न आकारों में अपने अनेक रूप दिखलाते हैं तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहा जाता है। ये भी कहाँ का है? लघु भागवतामृत का। जैसे बलदेव पर व्योम नारायण, जैसे वासुदेव प्रद्युम्न आदि संकर्षण। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह कहलाते हैं। ठीक है, जब भगवान के विस्तार को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि चतुर्व्यूह कैसे प्रकट होते हैं। पहले भगवान स्वयं अपने शरीर से बलराम जी को प्रकट करते हैं और वहां से बलराम जी के बाद चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। तो चतुर्व्यूह जो है वो भी क्या है? भगवान का विलास रूप है, जिसमें बलदेव जी आ गए, नारायण आ गए जो वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी आ गए। ईश्वरेर शक्ति होय ए तीन प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रजे गोपी गण आर सभाते प्रधान, ब्रजेंद्र नंदन जाते स्वयं भगवान। तो अलग अलग प्रकार की जो रानियां हैं, लक्ष्मियां हैं, उसका वर्णन हो रहा है।
कि भगवान की शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं। देखिए राधा रानी भी भगवान की शक्ति है, जिनको हम कहते हैं आह्लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। वास्तव में राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ था बताइए? भगवान गोलोक धाम में निवास करते हैं, जो आदि भगवान हैं, स्रोत हैं, जिनका नाम कृष्ण है, जिनका नाम एक गोपाल कह सकते हैं, गोविंद कह सकते हैं, जो गैया चराते हैं। तो भगवान अपने धाम में अकेले बैठे हुए थे, और कहाँ बैठे थे, एक एक स्थान पर बैठे हुए थे जहां पे रास नृत्य होता था, ठीक है, और वहां एक पर्वत था, उसका कुछ नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो वो एक पर्वत था जिस पर्वत पे, जो पर्वत जब इस दुनिया में आया तो उसका नाम गोवर्धन हो गया, वहां कुछ अलग नाम है उस पर्वत का। तो भगवान वहीं देख रहे थे, बहुत सारे फूल खिले हैं, बहुत सुंदर सीन सीनरी है, भगवान वहां बैठे हैं सिंहासन पर, रत्न के सिंहासन पर बैठे हैं। तो वहीं पर अचानक भगवान को इच्छा हुई कि मैं कुछ एंजॉय करूं, और जब इच्छा हुई कि भगवान को कि मैं एंजॉय करूं, तो उनके वाम अंग से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बाह से राधा रानी प्रकट हो गई, और राइट साइड से भी एक विग्रह प्रकट हो गया। तो स्वयं कृष्ण राइट साइड से प्रकट हो गए और लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट हो गई। तो कृष्ण से ही कृष्ण प्रकट हो गए, जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण अपने आप को एक से ज्यादा भागों में विस्तारित कर सकते हैं। तो राधा रानी प्रकट हो गई, और उनका नाम राधा क्यों हुआ, क्योंकि वो रास रास स्थली जो थी वहां प्रकट हुई। तो रास स्थली का जो पहला अक्षर है रा, और धा क्यों, क्योंकि वो दौड़ने लग गई, धावती, धावती, धावमान, ये जो संस्कृत के शब्द है इसका मतलब होता है दौड़ना। तो वो दौड़ने लग गई, क्यों क्यों दौड़ने लग गई, क्योंकि उनको जा करके कृष्ण के प्रसन्नता के लिए फूल तोड़ने थे, लाके भगवान को देना था, या भगवान को सजाना था, या कुछ करना था, इसीलिए वो दौड़ गए। तो भगवान अपने आप को दो रूपों में विस्तारित किए, एक स्वयं का पुरुष का रूप जिसको आप कृष्ण कह सकते हैं, और एक राधा रानी। तो शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान स्वयं हो गए और शक्ति हो गई राधा रानी। तो राधा और कृष्ण प्रकट हो। अब कई बार आप ये भी समझ सकते हैं कि जिनसे प्रकट हुए वो चैतन्य महाप्रभु थे, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर भी चैतन्य भागवत में कई बार ये लोग वर्णन कर चुके हैं कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण दोनों की जुगल जोड़ी का इकट्ठा स्वरूप है, अर्थात दोनों मिलकर के चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। लेकिन अनादिकाल से ये दोनों अपने आप को अलग किए हुए हैं, अर्थात राधा और कृष्ण के रूप में दो रूपों में ये बहुत बहुत काल से अलग अलग रह रहे हैं। इसलिए लगता है लोगों को कि दोनों दो हैं, पर वास्तव में दोनों क्या है, दोनों एक ही है। एक है शक्ति और एक है शक्तिमान। जैसे मान लीजिए मैं शक्तिमान हूँ, तो शक्तिमान की शक्ति कहाँ रहेगी, शक्तिमान के साथ ही रहेगी ना। शक्तिमान का मतलब है जिसके पास शक्ति है, शक्ति से मिला हुआ पुरुष जो है वो शक्तिमान कहलाता है। पर कृष्ण ने क्या किया, शक्ति को अलग कर दिया और स्वयं को अलग कर दिया एंजॉय करने के लिए। तो अब राधा रानी भगवान की शक्ति हो गई और स्वयं कृष्ण हो गए, तो शक्ति और शक्तिमान दो हुए कि एक हुए, एक ही हुए, लेकिन भगवान ने उनको अलग रखा है और दोनों एक दूसरे को एंजॉय करने में मदद करते हैं, विलास करने में, विलास यानी एंजॉय करने में, आनंद लेने में, लीला करने में एक दूसरे को मदद करते हैं। इस प्रकार भगवान और भगवान की शक्ति दोनों एक ही हैं, राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। सारी गोपियां जो हैं वो भी विस्तारित रूप है भगवान की। तो ये जो लीलाएं होती है, सब कुछ जो होता रहता है, वो स्वयं भगवान ही है जो अपने आप को बहुत रूपों में विस्तारित की है। थोड़ा सा मुश्किल जाता होगा, पर कुछ परसेंटेज तो आप समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान की शक्तियाँ तीन प्रकार की होती है। एक
वैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मी जी, वैकुंठ में जो निवास करती हैं उनको क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी कितनी है, बहुत सारी है। दूसरा है द्वारका में रहने वाली रानियां, और तीसरा है वृंदावन में रहने वाली गोपियां, है ना। तीनों तीन प्रकार के हो गए। वैकुंठ में जो रहती हैं उनको लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यहाँ ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि गोविंद की सेवा गोपियां कर रही हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो लक्ष्मियां जो है वो भी कृष्ण की सेवा करती हैं, क्योंकि भगवान से ही तो नारायण प्रकट हुए। तो यदि नारायण की सेवा लक्ष्मी करती हैं तो नारायण भी कृष्ण का ही रूप है। इसलिए जो वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मियां हैं वो भी भगवान की शक्तियां हैं, जो द्वारका में रहने वाली पत्नियां हैं वो भी भगवान की शक्तियां हैं, और जो वृंदावन में रहने वाली गोपियां हैं वो भी भगवान की शक्तियां हैं। तो तीन प्रकार की शक्तियां भगवान की हो गई। इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं गोपियां, क्योंकि उन सबों को ब्रजराज के पुत्र आदि भगवान कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये बात सच है। सबसे ज्यादा भगवान किसके साथ एंजॉय किए या लीला किए, गोपियों के साथ। स्वयं रूप कृष्ण काय व्यू तार संभक्त सहित होय ताहर आवरण लाभ, या आदि भगवान श्री कृष्ण के निजी संगी उनके भक्तगण हैं जो उन्हीं के समान हैं। वे अपने अपने भक्तों की टोली के साथ पूर्ण रहते हैं, पूर्ण है। भगवान कृष्ण जहां रहेंगे वहां कौन रहेगा, भक्त रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण तथा उनके विभिन्न स्वरूप प्रकाश शक्ति में अभिन्न है। ये स्वरूप प्रकाश अन्य गौण प्रकाशों या सेवक अंशों से संबद्ध है जो भक्त कहलाते हैं। ये समझ के परे है, जब टाइम आएगा तो समझ जाइएगा। भक्त आदि क्रमिक कोयलो सभार बंधन, ये सभार बंधन सर्व शुभे कारण। अब मैंने विविध स्तरों में भक्तों की पूजा कर ली, इनकी पूजा समस्त सौभाग्य का स्रोत है। भगवान की प्रार्थना करने के लिए सर्वप्रथम उनके भक्तों तथा उनके पार्षदों की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद परपोट लिख रहे हैं, तो प्रथम श्लोके को ही सामान्य मंगलाचरण। तो कृष्णदास कविराज ने बोला कि ठीक है, हमने भक्तों की भी पूजा कर ली, भगवान की भी पूजा कर ली, सबकी पूजा कर ली। तो पहले श्लोक में भगवान से आशीर्वाद मांगा, दूसरे श्लोक में भगवान से प्रार्थना की विशेष प्रकार की। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ो दये पुष्पवंतो चित्र संदो तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबों को अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए हैं। ये श्लोक पहले आया था, वही फिर से दिया गया है, क्योंकि हर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। ब्रजे जे बिहरे पूर्वे कृष्ण बल्ला राम कोटि सूर्य चंद्र जिनी दोहर निज धाम से दुई जगते रहोया सदय गौड़ देशे पूर्व शैले कोरिया उदय। बहुत पहले जो कृष्ण बलराम थे वही अभी गौर निताई बनकर प्रकट हुए हैं। जो वृंदावन में कृष्ण बलराम जी थे वही सूर्य तथा चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, और वे अब विश्व की पतित अवस्था पर सदय होकर गौड़ देश यानी पश्चिमी बंगाल के पूर्व क्षितिज पर उदित हुए हैं। तो ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि जो जो द्वापर युग में कृष्ण बलराम थे वही गौर निताई, यानी कि कृष्ण हुए गौरांग महाप्रभु, निताई हुए बलराम जी, या बलराम जी हुए नित्यानंद प्रभु।
श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद जहार प्रकाश सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद के प्रादुर्भाव से पूरे विश्व को आनंद की प्राप्ति हुई। सूर्य चंद्र हरे जय छे सब अंधकार वस्तु प्रकाशिया कोरे धर्मेर प्रचार एई मतो दुई भाई जीवेर अज्ञान तमो नाश कोरी कोयलो तत्व वस्तु दान। जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकट होते हैं, रोज प्रकाश देते हैं हमें, रात्रि को चंद्रमा प्रकाश देता है, दिन को सूर्य प्रकाश देते हैं, हर चीज को उद्भासित करते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भाई भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हुए। सूर्य अंधकार को दूर करता है, चंद्रमा भी अंधकार को दूर करता है और हमें ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार ये दोनों भाई यानी कि गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों यहाँ पे भाई के रूप में प्रकट नहीं हुए हैं, पर भाई ही मानते हैं एक दूसरे को। तो ये दोनों प्रकट हुए हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए। अज्ञान तमेर नाम को ही कैतव धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। अज्ञान का अंधकार कैतव अर्थात ठगने की विधि कहलाती है। एक कैतव वर्ड आएगा आपको जो भागवतम में भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कई बार आता है। तो कैतव वर्ड जो है उसका मतलब होता है, जो प्रभुपाद बताते हैं, ठगने वाली बुद्धि, ठगने की विधि जो धार्मिकता आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति के साथ साथ प्रारंभ होता है। शुरू में तो बड़ा अच्छे अच्छे शब्द स्टार्ट होते हैं, बोलना शुरू करते हैं, वो क्या क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर ये है कैतव धर्म। कैतव धर्म जो होता है उसको भक्ति नहीं कहते हैं, वो अलग है। धर्म प्रोज्जित कैतव होती है, भागवतम का श्लोक है। धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवतम ताप त्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा नंबर श्लोक है, दूसरा नंबर श्लोक 1.1.2, ये दूसरा नंबर श्लोक है। धर्मः प्रोज्जितः कैतव अत्र, तो महामुनि व्यासदेव जी द्वारा चार आदि श्लोकों में संकलित महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम बड़े बड़े एवं दयालु भक्तों का वर्णन करता है और भौतिकता से प्रेरित धार्मिकता को ठगने की विधियों को पूरी तरह से बहिष्कृत करता है। श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से भक्ति है, उसमें कैतव धर्म को शुरू में ही निकाल दिया गया है। ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद, झाड़ू देके फिक, झाड़ू देके बाहर कर दिया गया है। किसको? कैतव धर्म को बहिष्कृत कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या है, ठगने की विधि। हम तुमको धन देंगे, हम तुमको स्वर्ग देंगे, हम तुमको मोक्ष देंगे, ये सब बोल बोल करके ठगते हैं। यह शाश्वत धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत को प्रतिपादित करता है जो जीव के तीन प्रकार के तापों को यथार्थतः कम करने वाला और पूर्ण संपन्नता तथा ज्ञान का सर्वोच्च आशीष प्रदान करने वाला है। जो लोग विनीत सेवा भाव से इस शास्त्र के संदेश को सुनने के इच्छुक हैं, वे तुरंत ही भगवान को अपने हृदयों में बंदी बना सकते हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से भक्ति प्रदान करता है, शुरू से अंत तक इस ग्रंथ में भक्ति ही भक्ति है। तो यदि किसी व्यक्ति को भक्ति करनी है, भगवान के धाम जाना है, भगवान से प्रेम करना है, तो श्रीमद् भागवतम उसके लिए काफी है, कोई और शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा परपोट और मैं इसको स्किप करने वाली हूँ।
तार मध्य मोक्ष वांछा कर्तव्य प्रधान जथा होते कृष्ण भक्ति होय अंतरधान। ब्रह्म में तदाकार होकर मुक्ति प्रदान प्राप्त करने की इच्छा करना ठगने की प्रधान विधि है, क्योंकि इसमें कृष्ण की प्रेमा भक्ति का स्थायी लोप हो जाता है। वेरी नाइस। तार मध्य मोक्ष वांछा कर्तव्य प्रधान। मोक्ष बहुत प्रकार के होते हैं, मुक्ति जो होती है बहुत प्रकार की होती है। बहुत प्रकार मतलब हजार नहीं, पर मुख्य रूप से पांच प्रकार की होती है। तो ये जो एक प्रकार है जिसमें जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, वो है जो भक्त को नहीं चाहिए। उसमें व्यक्ति क्या करता है कि भगवान के शरीर से निकलता हुआ जो प्रकाश है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसके अंदर वो जीवात्मा जाना चाहता, प्रवेश करना चाहता है, वहां जाके आराम करना चाहता है। तो जब वो ब्रह्म ज्योति में जाके आराम करना चाहता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो सेवा नहीं करना चाहता है। भगवान और भक्त के बीच में प्रेम होता है, सेवा होती है, आदान प्रदान होता है। मगर जब हम सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं या उसके रास्ते पर चलते हैं, तो ये सब समाप्त। भगवान और भक्तों के बीच में कोई लेन देन नहीं, इसीलिए इसमें भक्ति का लोप हो जाता है, नष्ट हो जाती है भक्ति। निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। सही बात है। भगवान को क्या मान रहे हैं? जब हम भगवान की सेवा ही नहीं करेंगे, तो हम खाली भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश में जाकर के वहां पर ठहर जाएंगे करोड़ों करोड़ों सालों तक। तो उसमें कहां भगवान और कहां भक्त, कुछ नहीं है, तो कैसे हुआ भक्ति? इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो नास्तिकता की तरह, एक तरह से नास्तिकता, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रशब्देन मोक्षाभि संधिरपि निरस्त इति। प्र उपसर्ग सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया हो। आधा घंटा हो चुका है, अब आप कहेंगे बहुत बड़ा लेक्चर देती हैं माता जी, इसलिए यहाँ पे हम रोक देते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा धीरज रखिए, कथा बाद में आएगी, पहले फिलोसफी चल रही है, इसलिए आप शायद बोर हो रहे हैं, है ना, बोर हो रहे हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम सॉरी चैतन्य चरतामृत नहीं देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए, क्योंकि चैतन्य चरतामृत में बहुत आनंद है, पर भगवान को समझने के लिए शुरू शुरू में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।